साथ मौजूद हूँ गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्यनगर के ब्रजवार कॉलोनी में, जहां पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद बीती रात वहां पर पुलिस ने संगठनों के मौजूद होने के बाद जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। उस परिवार के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, हालांकि लड़की की माताजी नहीं है, पिता हैं, तो वो उस बच्ची का उपचार कराने के लिए अस्पताल गए हुए हैं। उनके चाचा चाची हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी घटना के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पूरी घटना का बता आपको कैसे लगा? सर, जब पीछे की दरवाजे से आए थे, मेन गेट एक मेन तो यही है, पीछे वाला दरवाजा एक और है, पीछे के रास्ते से आए थे, निकल आए थे, ये घर में घुसे हैं। लड़की के घर पे कोई नहीं था, लड़की के पास एक लड़का था 8 महीने का, वो खटिया से उसमें गोदी से मैं छीन के खटिया फेंक के मार दिया, ठीक है। उसके बाद में उसमें गला भी दबाया है, थप्पड़ भी मारे हैं, नशा भी कराया है, किचन में भी खींच के ले गए हैं, मारपीट भी की है, बलात्कार भी किया है। उस वक्त आप सब लोग कहाँ मौजूद थे? हम लोग तो सर घर पे कोई नहीं था, सारे काम पे थे, घर पे कोई नहीं था, अकेली थी। घर में कितने लोग हैं आप? अब घर में हम 4, 5, 6 जने। अच्छा, आप उसकी चाची हैं, कैसा उस लड़की का व्यवहार था और आपको जब पता लगा तो आप कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी थी, सीधी थी, इतनी मतलब तेज भी नहीं थी, बहुत से बच्चों की तरह की लड़की तेज होती है, वो तेज भी नहीं थी, नहीं फौर रखती थी, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपने शिकायत दी, शिकायत देने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद शाम को प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ और इतनी भीड़ कहाँ से आई? आपने बुलाई या आपके समर्थन में कुछ दल आए, उन्होंने बुलाई? भैया, हमारी आवाज नहीं उठ रही थी, हमने भीड़ इसलिए इकट्ठा करी, हमने कि हमारी सुनो, कोई पुलिस वाले नहीं सुन रहे, तो जब हमारी पब्लिक इकट्ठी हुई है तब भागी है चौकी तक, जब इन्होंने डेरा डाला है, जब पुलिस ने कार्रवाई की है हमारी। अच्छा, पुलिस का कहना यह है, आपने जो तहरीर दी थी उसमें एक व्यक्ति का नाम था फैजान का, फैजान को उन्होंने अरेस्ट 1 घंटे के अंदर कर लिया था, उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ कई लड़कों ने किया है? तीन को बता रही है हमारी लड़की, तीन थे अंदर, हमें पता है क्योंकि हमारा बच्चा था, वो उसने पहचान लिया था और हम उसको थाने तक ले भी गए, उसने पहचान लिया कि हाँ यही था। क्या चाहते हैं आगे, क्या सरकार से चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री से आपकी अपील है, क्या प्रशासन की आपकी तरफ से क्या नाराजगी है? हम तो मतलब चाहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले और जो दरिंदे हैं उनको फांसी दी जाए, तीनों को, हम ये नहीं कहते एक को दिया, तीनों ने कराया कांड, तो तीनों को ही फांसी दी जाए। लड़की साथ हो जाता तो ये तो बहुत ड्रामा कर देते, गाड़ियों में आग लगा लेते और थाने चौकी में आग लगा देते, और अब हिंदू के साथ हो जाए तो कुछ नहीं है। सर भी यहाँ जो पीड़िता थी उसके परिवार में हम यहाँ मौजूद है, यहाँ घर है, देखिए वो पूरा घर, इस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर छानबीन की थी, यही वो कमरा है जिसका पीछे मेन द्वार जाता है, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के माध्यम से कि ये दरवाजा है दूसरा जो यहाँ से वो लड़के एंटर हुए थे, यही इस रास्ते से ही आने के बाद उन्होंने उस लड़की के साथ जो इस रेप की घटना को अंजाम दिया, ये यही गेट जो दूसरा दरवाजा है इसका, यहाँ से वो लड़के अंदर दाखिल हुए थे और उन लड़कों की तरफ से ही यहाँ पर अंदर एंट्री की गई, उस लड़की के साथ इस रेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक बच्चा उस लड़की के साथ उस टाइम पर मौजूद था 8 महीने का, और उसके बाद उस बच्चे को छीन लिया गया, उस लड़की को नशा कराया गया, मारपीट की गई, उसके बाद उसको रेप किया गया। तो ऐसे में घटना तो बहुत बड़ी है और ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पर जल्दी कार्रवाई करके जल्दी सजा का प्रावधान हो। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद।